हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लजीज किचन में। तो आज हम बना रहे हैं व्रत के लिए एक नई रेसिपी। तो व्रत के लिए हम बना रहे हैं, इसीलिए हमने कुट्टू का आटा लिया है। कुट्टू का आटा को हमने छान लिया है। तो ये हमने आधी कटोरी आटा लिया है, ये थोड़ा सा कसा हुआ नारियल लिया है और ये आधा कटोरी चीनी ली है। तो पहले हम कुट्टू के आटे को थोड़ा सा देसी घी डाल के रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने गैस पर एक बर्तन रख दिया है और हमने गैस को धीमी आँच कर ली है। और ये हम डाल रहे हैं थोड़ा सा देसी घी। देसी घी इसी में डाल दिए हैं। अब इसी में हम डाल देते हैं कुट्टू का आटा। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, ज़्यादा हम घी नहीं डाल रहे हैं। और ये हम डाल देते हैं कुट्टू का आटा। इसको हम धीमी आंच पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसको हमको ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है क्योंकि ये काला होता है, अगर ये जल जाएगा तो ये खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए इसको हम 2 मिनट ही सिर्फ इसको हम भूंजेंगे और बस इसमें खुशबू हल्की आने लगे और हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारा रोस्ट हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुट्टू का आटा हमारा रोस्ट हो गया है और ये हमने लिया है मलाई। तो ये हमारी, ये देखिए, ये हमारी फ्रेश मलाई है। थोड़ा दूध है, थोड़ी मलाई है। तो ये हमारी एक कटोरी है, अब इसी को हम डाल देते हैं। ये देखिए, हमारा कुट्टू का आटा अच्छे से रोस्ट हो गया है और गैस को हमने धीमा कर दिया है। इसी में हम डाल देते हैं अपनी फ्रेश मलाई। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने मलाई डाल दी है। अब इसी में हम डाल देते हैं अपनी ये चीनी। अब चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसी में हम डाल देते हैं जो हमारा कसा हुआ नारियल था। तो ये हम नारियल डाल रहे हैं। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, नारियल भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसको हम धीमी आँच पर इस तरह से भूनते रहेंगे 2 मिनट के लिए। और इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डाले हैं क्योंकि पानी डालने से ये रेसिपी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है खाने में, इसीलिए हमने इसमें फ्रेश मलाई डाली है। और इसको हम धीमे आंच पे भूंज लेंगे। तब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमने एक बर्तन ले लिया है और उसी में हम लगा लेते हैं थोड़ा सा घी। इसको हम पूरी प्लेट में फैला लेंगे। तो ये देखिए, हमने इस प्लेट में निकाल के इसको बराबर कर लिया है। अब इस पर हम थोड़ा सा नारियल डाल देते हैं इस तरह से। इसको भी हम बराबर ही कर देते हैं चम्मच से। थोड़ा सा इसको हम सजा देते हैं इस तरह से, फिर इसको हम बराबर। लीजिए दोस्तों, हमारी ये कुट्टू के आटा की हमारी ये बर्फी बनके तैयार है। इसको हमने प्लेट में लगा के 10 मिनट के लिए इसको हमने ठंडे पानी में रख दिया था। ये हमारी बर्फी अच्छे से जम गई है। आपके यहाँ फ्रिज हो तो आप इस पर इसको फ्रिज में रख दीजिए 10 मिनट के लिए, तब भी ये जम जाएगी बर्फ़ी। तो दोस्तों, इसमें कोई बर्तन भी नहीं गंदा होता है और ये बर्फ़ी बहुत जल्दी बन जाती है। तो व्रत में खाने के लिए आप घर में 4-5 लोग हों तो इस तरह से बना के ज़्यादा रख लीजिए और इस तरह से हमारी बर्फ़ी बनाकर खाइए। और फिर हमें कमेंट बताइए कि हमारी रेसिपी आपको ये कैसी लगी। तो हम दिखाते हैं आपको कि हमारी ये बर्फ़ी कैसे बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए, हमने इसको कट लगा लिया था, ये हमारी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं चाकू से। इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं। लीजिए दोस्तों, हमारी कुट्टू के आटा की बर्फी बनके तैयार है। तो दोस्तों, इस तरह से बनाकर खाइए, आप खाइए, अपने परिवार को खिलाइए और हमें कमेंट में बताइए कि हमारी रेसिपी आपको यह कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर हमारी रेसिपी आपको ये अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देखिए, हम दिखाते हैं आपको तोड़ के। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये बर्फी बन के तैयार हुई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।